राज्य कार्यालय लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं आईटीसी मिशन सुनहरा कल के संयुक्त तत्वाधान में बेगूसराय जिला के गंगा ग्राम पंचायतों में गंगा की स्वच्छता को लेकर चार दिनों तक गंगा ग्राम जागरूकता रथ को आज बेगूसराय जिले के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से रवाना किया। साथ ही साथ यह रथ आम लोगों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु जन जागरूकता फैलाने का काम करेगी। वहीं इस संबंध में बेगूसराय जिले के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि यह रथ बरौनी एवं तेघड़ा व 18 प्रखंड में जन जागरूकता हेतु जाएगी। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि गंगा नदी की स्वच्छता को बढ़ाने के लिए ये गंगा के किनारे के गांव में जाएगा, जहां जन जागरूकता फैलाने का काम करेगी। डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि बेगूसराय जिला अंतर्गत कुल 7 प्रखंडों जो गंगा के किनारे अवस्थित है उनके 22 गांव में यह जागरूकता रथ जाएगा, जहां लोगों को जागरूक करने का काम करेगा और लोगों को स्वच्छता के संबंध में बताएगा। वहीं गंगा नदी की स्वच्छता अभियान के पदाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ गाँव स्मृत गाँव गंगा स्वच्छता रथ का काम अगले 4 दिनों तक चलेगा। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। इसके नियमित उपयोग करने की जल की समस्या संचार है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छ बिहार अभियान के उपयोग वर्ष 2020 प्रारंभ होकर वर्ष 2024-25 साथ ही अब गाँव में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन का देखिए, गंगा नदी की स्वच्छता और बढ़ाने के लिए गंगा ग्रामों में जन जागरूकता का रथ आज रवाना किया गया। जो हम लोगों के 7 प्रखंड जो गंगा नदी के किनारे हैं उनके 22 गांवों में जाएगा और अगले 4 दिन तक ये उन गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा, स्वच्छता के बारे में बताएगा और किस तरीके से जो कचरा प्रबंधन है, क्योंकि पहले हम लोग केवल प्लास्टिक इन चीज़ों को कचरा में मानते थे, लेकिन अब लिक्विड वेस्ट जो है, तरल जो पदार्थ है, उनका भी किस तरीके से वो गंगा नदी में ना जाए, उनको प्रोसेसिंग करते हुए पानी स्वच्छ करके और उनको फिर से इस्तेमाल करने के लिए, ये चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा। एक अच्छी पहल है स्वच्छता की ओर बढ़ने के लिए और हम सब लोगों को इसमें सहभागिता देनी चाहिए।